देखिए प्रोफेशनल स्किल्स पेपर्स के अंदर SBR जो अभी आपका पेपर आ रहा है, तो एडवांस जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, आपके पास चार एग्जाम्स हैं जिसमें से दो आपको देने हैं, उसके अंदर तो अब 20 मार्क्स जो हैं वो प्रोफेशनल मार्क्स के ऐड कर दिए गए। SBR एग्जाम के अंदर भी प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन उसका पेपर का पैटर्न अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, उसकी कनेक्टिविटी के बारे में, फिर हम पेपर पैटर्न के ऊपर आते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक कनेक्टिविटी बनती है पेपर F3 की, बेसिक पेपर, उसके बाद यू स्टडी पेपर F7, FR, और उसके बाद आप आते हैं अपने पेपर की तरफ, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो हमारा करंटली एजेंडा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर के लिए प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IAS और IFRS और कॉन्सोलिडेशन वगैरह आपको F7 के अंदर और F3 के अंदर पढ़ाई गई थी, उसकी आपके पास एक अच्छी और सॉलिड बेस होनी चाहिए SBR के लिए। क्योंकि SBR का जो सिलेबस है दैट कंप्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल IAS एंड ऑल IFRS। पेपर में ऑलमोस्ट तमाम IAS और IFRS सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। वो तमाम IAS IFRS जो FR के सिलेबस में हैं वो इंक्लूडेड हैं, प्लस कुछ ऐसे IAS और IFRS हैं हमारे पास जो हम पहली मरतबा यहाँ पर पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास है ग्रुप अकाउंटिंग, और ग्रुप अकाउंटिंग जितनी हम लोगों ने FR के अंदर पढ़ी हुई है वो सारी के सारी ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूडेड है। और ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर कुछ न्यू इश्यूज हैं जो हमें SBR के अंदर कवर अप करने पड़े। अलॉन्ग विद हमारे पास इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है एथिक्स का, जिसके सवाल बनता है। साइड बाय साइड हमारे पास हमें IASB के फ्रेमवर्क की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे कनेक्टिविटी में सवालात पूछे जा सकते हैं, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के क्या क्या फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो चल रही है उसको करंट इश्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है कि जी आजकल दुनिया में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही हैं उससे आपकी कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। अब इसको अगर ACCA के ऑफिशियल एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट के साथ मैच किया जाए तो लेट मी शेयर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ यू, जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने FR में पढ़े हुए थे और वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दोबारा आएंगे, और कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आप पहली मरतबा यहाँ पर पढ़ेंगे। दिस सिलेबस इज बेसिकली SBR इंटरनेशनल जो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी के जो FR और F3 के अंदर हमने पढ़े हुए हैं, तो उसके अंदर एडिशनल स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ने हैं, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, दैट इज IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट। ये स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर पहली मरतबा पढ़ाया जा रहा है SBR के अंदर, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। सिमिलरली IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये भी पहली दफा पढ़ाया जाएगा। IAS-34 इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्जामिनेबल होता है। इसी तरीके से IFRS-1, IFRS-2 शेयर बेस्ड पेमेंट, और बाकी देखेंगे तो मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स वही हैं जो हमने F7 में पढ़े हुए हैं। IFRS-8 पहली मरतबा एग्जामिनेबल होता है। IFRS-11 ज्वाइंट अरेंजमेंट पहली मरतबा एग्जामिनेबल होता है। इसी तरीके से IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये भी पहली दफ़ा यहाँ पर एग्जामिनेबल होता है। लाइकवाइज कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पहली मरतबा एग्जामिनेबल होते हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स जो आप लोगों ने FR में पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो इस पेपर के लिए हैं वो है आपका IS-12 इनकम टैक्स इंक्लूडिंग डेफर टैक्स। अब ये देखेंगे FR में भी मौजूद है और SBR में भी मौजूद है, लेकिन जो लेवल FR में आपको पढ़ाया गया है उसका SBR से कोई कंपैरिजन नहीं है।
SBR के अंदर जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, जो IAS और IFRS आप लोगों को पढ़ने हैं, वो आपको फुल डिटेल में जाकर पढ़ने, यानी कि आपको पूरे स्टैंडर्ड की एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड हमसे क्या डिमांड कर रहा है, किस चीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ताकि जब एग्जाम में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो हम स्टैंडर्ड को वहां पर अप्लाई कर सकें। देर इज अज डिफरेंस बिटवीन FR एंड SBR पेपर, क्योंकि FR में स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन नहीं, और SBR इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद भी किए हुए हैं, बट अगर आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको स्टैंडर्ड्स को सिनेरियो पर अप्लाई करना आना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि एक कंपनी है, उसका एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा, और वहां पर आपको उसको प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ IAS एंड रेलेवेंट IFRS। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ IAS IFRS, उस IAS और IFRS में पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या चल रहा है, वो हमारे लिए की है कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हमने IAS IFRS बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से पढ़े होंगे, सो देन वी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसके सॉल्यूशंस भी हम अकॉर्डिंगली देंगे। सो F7 का एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉरेन एक्सचेंज, ये भी अगेन बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से और अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड इज IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि FR में भी पूछा जा चुका है और यहाँ आपसे कंप्लीट डिटेल्स के साथ पूछा जाता है। लाइकवाइज प्रीवियस स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, तो IAS 37, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, एग्जामिनेबल इन बोथ FR एंड SBR। लाइकवाइज IAS 16, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। सिमिलरली IAS 38, इंटेंजिबल एसेट्स। IAS 36, इंपेयरमेंट। IFRS 5, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। IFRS 13, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। IFRS 15, रेवेन्यू रिकग्निशन। इस दफा अभी जो हमारा एग्जाम गुजरा है SBR का, उसमें IFRS 15 एग्जामिनेबल हुआ है। IFRS 16, लीजेस, लीजेस के बारे में भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट इस दफा एग्जामिनेबल हुआ है। कॉन्सोलिडेशन में 20 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। तो मुख्तलिफ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से जो की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे आपको फोकस ज्यादा रखना है और कोशिश ये करनी है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हुए। अब अगर मैं की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं, यहाँ पर की IAS और IFRS जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो वो मेरी लिस्ट में सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा वो आएगा IAS 32, IFRS 9 एंड IFRS 7, जो कि एक ही टॉपिक को एड्रेस करता है, एंड दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब हम F7 में ये IFRS पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग सिखाई जाती है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, गेन और लॉस कहाँ रिपोर्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर SBR में हमें कुछ नए इश्यूज देखने को मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट कैसे होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। इसी तरीके से हेज अकाउंटिंग क्या होती है, हेज अकाउंटिंग कैसे की जाती है। रेकग्निशन और डी रेकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होती है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और एसेट को और ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। तो IAS 32, IFRS 9 एंड IFRS 7। IFRS 7 इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके डिस्क्लोजर्स क्या क्या होते हैं। तो ये कंप्लीट सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SBR में हमें कंसिडर करना चाहिए और एग्जाम में भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, यहाँ पर हम लेते हैं इसको, IAS 12, टैक्सेशन। अगेन F7 में सिर्फ डेफर्ड टैक्स वगैरह की बेसिक एंट्रीज पढ़ाई जाती थी, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स और टैक्सेशन जो पढ़ाया जाता है वो इंडिविजुअल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है और ग्रुप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि इंडिविजुअल कंपनी में टैक्स के क्या क्या इश्यूज होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, और ग्रुप कंपनी में टैक्स के क्या क्या इश्यूज होते हैं वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट जो हम पहली मरतबा यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो पहली मरतबा स्टडी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल। अलॉन्ग विद दिस एंड अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड है, पहली दफ़ा पूछा जाता है। और इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं IAS 37 को, जो हमने प्रीवियसली F3 में भी पढ़ा था, F7 में भी पढ़ा है, प्रोविजन कॉन्टेजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टेजेंट एसेट्स। ये यहाँ पर भी इंतहाई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। एंड IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू रिकग्निशन के मसले दिए जाते हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना डिटेल में जाके पढ़ना है कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में, से सपोज फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, लेकिन आपको उसका रेवेन्यू रिकग्निशन का पैटर्न दिया जाता है, किस तरह कंपनी चीज़ें बेचती हैं, कैसे रिसीव करती हैं, तो आपको इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन यहाँ पर करनी है। एंड IFRS 16 लीजिंग, ये आइडेंटिफाई करना कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो उसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट बना है तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग, उसकी एप्लीकेशन, लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन, सेल एंड लीज बैक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और इसके अलावा अगर हम FR वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रीवैल्यूएशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स, इम्पेयरमेंट कैसे टेस्ट की जाती है इंडिविजुअल एसेट की, और कैश जनरेटिंग यूनिट को इम्पेयरमेंट के लिए कैसे टेस्ट किया जाता है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होती है, फुल गुडविल मेथड में इम्पेयरमेंट कैसे होती है, पार्शियल गुडविल मेथड में इम्पेयरमेंट कैसे होती है, तो ये कुछ हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनके ऊपर आपकी आउटस्टैंडिंग ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी अच्छी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आपको इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ हमारा जब हम ग्रुप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो एज द सिलेबस डिमांड आपके पास ग्रुप अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए। जो आप लोगों ने F3 में और F7 के अंदर ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें हम नॉर्मली एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट के साथ हम अकाउंटिंग सीखते हुए हैं कि अगर आपके पास एक सब्सिडरी है और अगर आपके पास एक एसोसिएट है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें ऑलरेडी प्रीरिक्विजिट में पता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप एक्विजिशन, कि अगर आप एक सब्सिडरी को आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करते हैं, पहले आपने 20% शेयर्स एक्वायर किए, फिर आपने फर्दर 20% शेयर्स एक्वायर किए, फिर आपने 20% फर्दर एक्वायर किए, तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन। सिमिलरली अगर हम किसी सब्सिडरी को सेल करते हैं तो सब्सिडरी को सेल करने का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अलोंग विथ आपको ये पता होना चाहिए कि जी फॉरेन सब्सिडरी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल तो अगर हमारे पास कोई ऐसी सब्सिडरी है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी सब्सिडरी जो है वो USA के अंदर है, प्रॉब्लम ये आएगा आपके पास कि आपकी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है वो PKR के अंदर है, आपकी सब्सिडरी की करेंसी USD के अंदर है, तो PKR और USD को कंसोलिडेट कैसे किया जाए। तो आप अपनी USD वाली सब्सिडरी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो एक्सचेंज गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम IAS 21 के थ्रू अपनी सब्सिडरी की अकाउंटिंग सीखेंगे यहाँ पर। एंड अलोंग विद दैट आपके पास ग्रुप का कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, ये ग्रुप का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। इंडिविजुअल का कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जामिनेबल नहीं है,
यहाँ पर ग्रुप का कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जामिनेबल है। सो ग्रुप अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बैलेंस शीट इम्पोर्टेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। SBR का जो पेपर फॉर्मेट है उसके अंदर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए जाते। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ये एग्जामिनेबल नहीं है। यहाँ आपसे एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाएंगे, यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि गुडविल कैलकुलेट करके दें और उसको डिस्कस करें। गुडविल कैलकुलेशन एंड डिस्कशन, कैलकुलेशन को आपको डिस्कस भी करना पड़ेगा थ्योरेटिकली। इट्स नॉट लाइक F7 जहाँ पर आपको सिंपली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे और आपकी जान छूट जाती थी। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के साथ साथ उसकी डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालनी है तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं निकालनी बल्कि आपको उसको कैलकुलेट भी करना है और साइड बाय साइड डिस्कस भी करना है। तो जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए, IAS 27 है, IAS 28 है, IFRS 3 है, ये कॉन्सोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 10 है, IFRS 11 जॉइंट वेंचर है, ये कुछ हमारे पास कॉन्सोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। यानी ये कॉन्सोलिडेशन की जो थ्योरी है बेसिकली वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर होती है। तो जो सिलेबस मैंने आपको इनिशियली बताया था उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो SBR के सिलेबस में हमारे पास IAS और IFRS हैं, कुछ हमारे पास FR वाले IAS डिटेल में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे, कुछ नए IFRS हम पढ़ेंगे, ग्रुप अकाउंटिंग बहुत डिटेल में है, एथिक्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ISB का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है और जो लेटेस्ट हमारे पास करंट इश्यूज चल रहे होंगे उनके ऊपर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हाउ डिफरेंट दिस पेपर फ्रॉम FR? अगर आप FR का पेपर पैटर्न देखें तो वहाँ पर MCQs भी आते हैं, वहाँ पर MTQs भी आते हैं और वहाँ पर CRQs भी आते थे, लेकिन SBR का पेपर पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट। SBR के अंदर जो हमारे पास पेपर आता है उस पेपर में हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 50 मार्क्स एंड सेक्शन बी आल्सो कंप्राइजेस ऑफ, सेक्शन ए हमारे पास, बल्कि एक काम करते हैं हम इसको ओरिजिनल उससे देखते हैं कि हमारे पास जो SBR का पोर्टल के ऊपर जो पढ़ा हुआ है पेपर उसे कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि सेक्शन ए में हमारे पास 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स का मैं आपको ब्रेकअप बता रहा था कि 50 मार्क्स का जो ब्रेकअप हमें दिया जाता है उस ब्रेकअप में हमारे पास दो सवाल होते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है ग्रुप अकाउंटिंग के बारे में एंड दैट इज वर्थ 30 मार्क्स, लेकिन इसमें 30 मार्क्स इंटायरली ग्रुप अकाउंटिंग के नहीं होते। ग्रुप अकाउंटिंग एंड IAS एंड IFRS के इश्यूज पूछे जाते हैं। तो ग्रुप अकाउंटिंग कितनी होगी? ग्रुप अकाउंटिंग 15 मार्क्स की भी हो सकती है, ग्रुप अकाउंटिंग 20 मार्क्स की भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन SBR के पेपर में एंटिसिपेट ना की जाए। SBR के पेपर में आप थ्योरी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करके जाएँ, 70% थ्योरी, 65% थ्योरी, समटाइम्स 75% थ्योरी आप एंटिसिपेट करके जाएं कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो एथिक्स और एथिक्स के साथ डिफरेंट अकाउंटिंग इश्यूज आपसे पूछे जाएंगे IAS IFRS से रिलेटेड विच इज वर्थ 20 मार्क्स। एथिक्स की जहाँ तक बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ACCA का जो कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें इंटेग्रिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या होती है, प्रोफेशनल बिहेवियर अकाउंटेंट का क्या होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो आपको कुछ सिनेरियोस दिए जाएंगे जहाँ पर एथिक्स की कुछ वॉयलेशन हो रही होगी और आपसे पूछा जाएगा कि जी आप इस पर्टिकुलर मसले का एथिक्स के थ्रू और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसमें एथिक्स के क्या क्या मसले हैं, यहाँ पर इंटेग्रिटी हिट हो रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन पता है
तो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पर मार्क्स गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन बी होगा उसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे रिमेनिंग 50 मार्क्स के लिए, टू क्वेश्चंस वर्थ 25 मार्क्स ईच। यहाँ पर हमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स पूछे जाएंगे हमसे, कोई भी सवाल एक सिंगल स्टैंडर्ड पर नहीं आता, बल्कि हर सवाल में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स टेस्ट किए जाएंगे और उसके अंदर लाइकलीहुड वही है जो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की, जो 10 स्टैंडर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनके साथ ही आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर नजर आएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि ये कोई ओपन बुक एग्जाम नहीं, तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड आपको कवर करने हैं, उनकी जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर आपने स्टैंडर्ड्स रट्टे मार लिए और आपको ये नहीं पता कि किसी गिवन सिचुएशन में स्टैंडर्ड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो आप SBR में ना सिर्फ स्कोर नहीं कर पाएंगे बल्कि हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। तो जो भी स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपने IS-37 पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोविजन क्या होता है, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। अब आपको जो सिचुएशन दी जाएगी तो आपको उसमें पिक करना है कि अगर वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टैंडर्ड क्या कहता है उसके बारे में। फिर आपको रेलेवेंट स्टैंडर्ड कोट करना है, दो चीजें कि आपको स्टैंडर्ड वहां पर कोट करना है और उस स्टैंडर्ड को कोट करने के बाद बताना है कि जी स्टैंडर्ड सेज दैट इस मसले का हल क्या है, क्या यहाँ पर प्रोविजन बनना चाहिए था, क्या यहाँ प्रोविजन बनना चाहिए। मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड भी दिए जाते हैं एक सिनेरियो के अंदर, मल्टीपल स्टैंडर्ड जो है वो एग्जामिनर मिक्स करता है और स्टूडेंट फील डिफिकल्टी कि उन्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड लगा, और समटाइम्स उन्हें ये फीलिंग आती है कि ये चीज़ तो हमने स्टैंडर्ड में पढ़ी नहीं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्टैंडर्ड को इन डेप्थ नहीं पढ़ के जाते। अगर आपने स्टैंडर्ड को इन डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ तो अल्टीमेटली आपको ये फील आएगी कि शायद हमने ये स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं, मे बी। तो जो F7 के अंदर स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका है वो यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेप्थ में जाकर और डिटेल में जाकर पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस यानी कि उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए आपको पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करके एक स्टैंडर्ड आपने किया, फॉर एग्जाम्पल आपने IFRS 9 कवर किया, तो अब IFRS 9 से रिलेटेड जो भी पास्ट पेपर में मसले पूछे गए हैं उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि कितना मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड पढ़कर क्या मैं पास्ट पेपर के मसले हल कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है आपने स्टैंडर्ड को प्रॉपरली कवर किया है, वरना आपकी डेफिशिएंसी है और आपको स्टैंडर्ड को और डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। अब एक नज़र हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे डालते हैं और उसके बाद फिर हम अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि जी SBR क्लियर करने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितने डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर सेक्शन ए, दिस सेक्शन ऑफ द एग्जाम कंटेन टू क्वेश्चंस। ये मैंने SBR के पोर्टल पे ACC के पोर्टल पर आपको यहाँ पर एक मैंने स्पेसिफिक एग्जाम यहाँ पर असाइन किया है, तो आप देखें सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ टू क्वेश्चंस, दिस सेक्शन इज वर्थ 50 मार्क्स इन टोटल। आप देखें जब हम इसकी रिक्वायरमेंट पे बढ़ेंगे तो हमारे सामने रिक्वायरमेंट आ रही है, इसकी फंक्शनैलिटी से आप यूज टू होंगे, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, नेविगेटर फीचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैच पैड, कैलकुलेटर वगैरह। अब देखें यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जिबिट्स दिए हैं, पहला सवाल है, कुछ एग्जिबिट्स दिए हुए, रिक्वायरमेंट कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट 30 मार्क्स। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट पे डायरेक्ट जंप करते हैं तो यहाँ आपको रिक्वायरमेंट नजर आ रही है, ड्राफ्ट एन एक्सप्लेनेटरी नोट टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एड्रेसिंग द फॉलोइंग, ए पार्ट वर्थ 13 मार्क्स, बी पार्ट 4 मार्क्स, सी पार्ट 5 मार्क्स, डी पार्ट 8 मार्क्स। अब आप देखें एज आई टोल्ड यू कि कॉन्सोलिडेशन 15 से 20 नंबर की दरमियान आती है नॉर्मली, तो पहला सवाल आपसे पूछा गया हाउ गुडविल शुड हैव बीन कैलकुलेटेड, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, योर आंसर शुड इंक्लूड सूटेबल कैलकुलेशन,
एंड शो द एडजस्टमेंट विच नीड टू बी मेड टू द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस एज वेल एज एनी इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेटेड एट 30 सितंबर 2026 वर्थ 13 months. अब ये पूरी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी करनी है और साथ साथ आपको इसकी डिस्कशन भी करनी है साथ साथ और एडजस्टमेंट्स वगैरह. दूसरा पार्ट फ्लैट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 marks. अब अगले जो 2 marks दिए हुए हैं, ये अगले 2 marks स्टैंडर्ड से रिलेटेड दिए हुए हैं. हाउ द कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी कि IFRS 9 शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 marks. हाउ द प्रोपोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डेफर टैक्स इशूड रिलेटेड टू लोन कोवेनेंट ब्रीच 8 marks. अब ये रिक्वायरमेंट आपके पास है और इससे रिलेटेड ये 5 exhibits आपको दिए हुए हैं जो आपको हल करने हैं. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला जो इशू था उससे रिलेटेड आपको कन्वर्टेबल की डिटेल दी हुई है. जस्ट ये एग्जिबिट आपको दिया हुआ है कि एक कंपनी है उसने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया है, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड रिडीम होगा, तुम्हें कन्वर्जन का ऑप्शन क्या है, ये डिटेल दी हुई है. लाइक वाइज अगर आप डेफर टैक्स वाले इशू की तरफ जाएंगे तो ये डेफर टैक्स का आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको वो पार्ट सॉल्व करना है कि इसके अंदर डेफर टैक्स का क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड IFRS क्या कहता है और आपको अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस करना है. लाइकवाइज अगर आप गुडविल की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट आपके पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पर, अलॉन्ग विद आपको एक्विजिशन की डिटेल दी हुई है. हिलको परचेज 80% शेयर कैपिटल ऑन 1st अक्टूबर 2005. कैश कंसिडरेशन कंप्राइजेज ऑफ 150 मिलियन इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग गुडविल इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर कैश कंसिडरेशन के साथ कुछ चीजें हैं, फिर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद एंड में उसने इम्पेयरमेंट का मसला डाल दिया कि रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, आपको ये इम्पेयरमेंट हमने कैलकुलेट नहीं किया तो हाउ टू एड्रेस दिस. और अगर फिर तीसरे पार्ट की तरफ जाएं तो फिर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमने एक 20% अपना शेयर जो है किसी कंपनी के अंदर सेल कर दिया है तो उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा. टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि आपको ये 30 नंबर का सवाल विद इन 1 आवर पूरा करना होता है. और इसके लिए जो आपको थ्योरी के लिए आपको वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन करनी है तो आप सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ कर लें. इसके अलावा अगर आपको फ्लैट कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ पर स्प्रेडशीट जो भी ओपन होगी वहाँ पर आप फ्लैट यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको थ्योरी और कैलकुलेशन साथ करनी है तो अब आपके पास चॉइस होती है. आप कैलकुलेशन सारी वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर भी दिखा सकते हैं और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो वो आप स्प्रेडशीट पे भी कर सकते हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विद इन योर चूजन रिस्पॉन्स ऑप्शन. तो रिस्पॉन्स ऑप्शन आपको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने हैं. आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर टेबल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स ऑप्शन आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें नहीं बनाने होंगे, पूरा पूरा इनकम स्टेटमेंट पूरा पूरा बैलेंस शीट हमें नहीं बनाना, हम स्प्रेडशीट पे एक्सट्रैक्ट बना के उसको वर्ड प्रोसेस में रेफर कर सकते हैं कि सी माई वर्किंग इन स्प्रेडशीट, इस तरह से भी रेफर किया जा सकता है. तो इस पहले सवाल के बाद जब हम दूसरे सवाल पे जंप करते हैं तो अब हमें जो दूसरा सवाल दिया जाएगा वो नॉर्मली उसमें एथिक्स इन्वॉल्व होता है लाजमी 20 marks के क्वेश्चन में. अब देखिए यहाँ पर 2 मसले यहाँ पे डिस्कस हुए हैं. एग्जिबिट में हमें प्रोविजन का मसला दिया हुआ है एंड प्रोविजन इज रेफर्स टू IAS 37. अब यहाँ पर एक IAS 37 का इन्होंने प्रॉब्लम रेज किया हुआ है. अब उस प्रॉब्लम हमें देखना है कि क्या ये प्रोविजन का प्रॉब्लम है, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है और इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसके बारे में एथिक्स क्या कहते हैं. तो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का मसला यहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है. उस रीस्ट्रक्चरिंग में जो भी एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. इसी तरीके से यहाँ पर एक वीट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है. अब ये किस IAS के पास जाएगा, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, ये अल्टीमेटली पढ़कर इसका अंदाजा लगाया जाएगा कि. और फिर डायरेक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया है क्या वो एथिक्स के अकॉर्डिंगली ठीक ट्रीटमेंट है,
या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। सिमिलरली जब आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो देखें डिस्कस द एथिकल एंड अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर टू जो आएगा उसके अंदर आपको एथिक्स और अकाउंटिंग को मिक्स करके दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कोई एथिकल और अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन नजर आ रही है। 18 मार्क्स दो पार्ट के लिए। प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन क्वेश्चन नंबर टू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। अगर आपने एथिकल प्रिंसिपल सही अप्लाई कर दिए तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड अवेलेबल है। अब ये पूरा सेक्शन हमारा सेक्शन है 50 मार्क्स का हुआ, जिसकी एग्जाम में आपके पास 50 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.6 के हिसाब से टाइम अवेलेबिलिटी होगी। अगेन रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ टाइम प्रेशर वेरी चैलेंजिंग पेपर, क्योंकि आपको टाइपिंग भी करनी है, आपको कैलकुलेशन भी करनी है, तो उसके लिए आपके पास पहले से टाइपिंग स्पीड और कैलकुलेशन वगैरह आपको अगर फेमिलियर आप हुए इस फॉर्मेट से, इस पे आप फेमिलियर रहते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप मैनुअल प्रैक्टिस करने के बजाय यहाँ पर एग्जाम फॉर्मेट में प्रैक्टिस करें। सेक्शन सी बी में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं 25 मार्क्स ईच। इसमें जब हमारे पास तीसरा सवाल आएगा तो वो सवाल मल्टीपल स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगा। अब यहाँ देखें हमारे पास एग्जिबिट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया हुआ है विच इज लाइकली IS-38, एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटेंट्स रिकमेंडेशन, और यहाँ रिक्वायरमेंट में हमारे पास तीन सवाल पूछे गए। पहले सवाल में बात की जा रही है सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दूसरे सवाल में बात की जा रही है एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तीसरा जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो करंट प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है। 10 नंबर का सवाल विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। तो जो करंट प्रैक्टिसेस चल रही होंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कोई 10 नंबर तक का सवाल हमारे पास पेपर में आ सकता है। ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हमारे पास आ गए। फिर आगे हमें जो लास्ट सवाल है वो भी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे बेस कर रहा है। तीन एग्जिबिट्स हमें दिए हुए हैं, गिफ्ट कार्ड, रॉयल्टी फी का मसला, प्रॉपर्टी का मसला। अब ये प्रॉपर्टी का मसला अगर हम थोड़ा सा इवेल्युएट करें, या तो ये IS-16 का मसला होगा या ये IS-40 का मसला होगा। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर IS-40 की कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि ये IS-40 का मसला हो सकता है। अब आपने IS-40 पढ़ा हुआ है तो आपको IS-40 का प्रॉब्लम समझ में आएगा, आप उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट उसी पैटर्न के ऊपर है। पहले पार्ट में आपको गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड अकाउंटिंग बतानी है 6 मार्क्स की, रॉयल्टी से रिलेटेड अकाउंटिंग बतानी है, डिस्कशन करनी है 6 मार्क्स की, और पार्ट बी में हमें डिस्कशन करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और साथ यहाँ परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी लिंक किया भाई। योर आंसर शुड रेफर टू की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मार्क्स दिए हुए हैं, प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन पार्ट बी फॉर क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिस्कशन 2 मार्क्स। तो अलॉन्ग विद आपको साथ साथ ये भी सीखना है किस तरह से आप ये प्रोफेशनल मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। रिस्पॉन्स ऑप्शन अगेन सिमिलर चल रहे हैं हमारे पास, दोनों दिए हुए हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, और ये इस तरह से हमारा पेपर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप अपना MyACC पोर्टल अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको SBR से रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल के लिए कुछ पेपर्स दिए हुए हैं। लेट मी शो यू टू दिस एज वेल, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम SBR को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल में जाएंगे क्योंकि हमें इंटरनेशनल ऑप्ट करना है, ऑफिशियल रिसोर्सेज में हम जाते हैं तो यहाँ आपके पास पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी मौजूद है, प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल हैं, स्पेसिमिन अवेलेबल हैं, आपके पास 2 स्पेसिमिन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस एग्जाम में आपके पास, क्योंकि अभी दिसंबर 2020 के लिए ये चीज़ें अवेलेबल थी, तो 3 प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल हैं, और पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में आपके पास जो चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए 4 एग्जाम्स अवेलेबल हैं। लेकिन ईजीली प्रैक्टिस क्वाइट अलॉट आपके पास CB प्रैक्टिस का मटेरियल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और अलॉन्ग विद आपकी जो रिविजन किट है उसमें से आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अप्लाई SBR के पेपर में किया जाता है।
अब कोई सवाल आप लोगों को पूछना है तो यू कैन आस्क नाउ। उससे पहले मैं रिसोर्सेज आपको बता दूं कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखें, रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो एज आई टोल्ड यू कि आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो आइडियली स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए आपके पास एक अदद स्टडी टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी टेक्स्ट बीपीपी का भी अच्छा है, कैपलान का भी अच्छा है, कोई एक स्टडी टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे। अगर आप किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं तो कैपलान इज़ बेस्ट, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर। तो आप कैपलान को अपने डिस्कशन में रखेंगे। अलॉन्ग विद कैपलान आपको जितने भी टेक्निकल आर्टिकल्स हैं वो लाजमी रीड करने हैं, लाजमी एट एनी कॉस्ट वो आपको रीड करने हैं। कोर्स डिटेल्स वगैरह, ड्यूरेशन, टाइमिंग्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो आज का एजेंडा हमारा नहीं है डिस्कशन करने का। लेकिन ऑब्वियसली हम मार्च के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही होंगी वो 20 फेब तक हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस, डिस्कशंस, टिप्स एंड टेक्निक सब बात कर रहे होंगे, और उसके साथ एक पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अलॉन्ग विद आपके पास होगा पोर्टल पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ताकि आप अपने पेस से जिस तरह से भी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी आपकी साइड बाई साइड चलती रहेगी। तो टेक्निकल आर्टिकल्स अब यहाँ पर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ACCA का पोर्टल आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आपको जो एग्ज़ाम दिए हुए, पास पेपर्स दिए हुए, वो ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और यहाँ पर आपको कैपलान की रिवीजन किट करनी है, ये एक रिवीजन किट बहुत है पेपर पास करने के लिए, और कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ। साइड बाय साइड आपको जो IAS और IFRS के जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको प्रेफर करना है कि आप नोट्स को ज़्यादा रेफर करें रादर देन बुक को। हर IAS और IFRS के जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपको उन्हीं नोट्स को गो थ्रू करना है और वहीं से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन एज आई टोल्ड यू, एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन सीखनी है, सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं सीखना कि जी प्रोविजन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है, फाइनेंशियल एसेट की 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, FVTPL का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी नहीं, इसको सिनेरियो में अप्लाई करना सीखना है कि किसी गिवन सिचुएशन में हम किस तरह से स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं। अगर वो नहीं सीखेंगे तो इस पेपर में स्ट्रगल करेंगे। पेपर का पासिंग क्राइटेरिया बहुत बुरा नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट पासिंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिलता है ACCA के पेपर्स का। तो ऑन एवरेज अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो कंसोलिडेशन में अच्छा परफॉर्म करके स्टूडेंट इजीली इस पेपर में अच्छे मार्क्स उठा लेता है, क्योंकि अगर आपकी कंसोलिडेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप जो भी मैक्सिमम कंसोलिडेशन के मार्क्स एग्जाम में गिवन है वो उठा लेते हैं, तो अल्टीमेटली पेपर पास करना आपके लिए इशू नहीं होगा। फिर एक हर्डल आपके लिए सिर्फ ये होगा कि अगर आप अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं तो जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपकी ग्रिप अगर अच्छी है तो यू कैन इजीली स्कोर सम गुड मार्क्स। एग्जामिनर रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट है वो भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि स्टूडेंट की डेफिशिएंसी कहाँ पर है, कहाँ स्टूडेंट लैकिंग करते हैं, कहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कौन सा एरिया ऐसा है जो उन्होंने इफेक्टिवली नहीं पढ़ा हुआ और जहाँ उन्हें एग्जाम में स्ट्रगल करनी पड़ी। अब आप लोग अपने सवाल की तरफ आ जाएं, अदर देन क्लास टाइमिंग और थिंग्स लाइक दैट, जर्नल क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, तो आई विल एड्रेस द क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज अफान। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह हमारा FR होता था उसमें हमें फिजिकल किट भी चाहिए होती थी, जो हार्ड कॉपी है, क्योंकि हम उस पे अपने MCQ सॉल्व करते थे, तो इसमें हमें वो हार्ड कॉपी लेने की जरूरत है या जो आप हमें सॉफ्ट कॉपी में देंगे सब कुछ वो इनफ होगा? देखें, मैनुअली सॉल्व करना तो थोड़ा सा रिस्की वैसे भी हो जाता है ना, क्योंकि हमने बात की कि आपको पोर्टल की प्रैक्टिस भी करनी है। अब नॉर्मली आदत ये होती है यूजुअली जब हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, ये तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है ना, जब हम फिजिकल पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के पास फिजिकल कॉपीज, हार्ड कॉपीज होती हैं और वो मैनुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, और मैच खेलना है आपको हार्ड बॉल पे और आप प्रैक्टिस टेप बॉल पे कर रहे हैं कि जी मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी है ना,
ये तो मैं जाकर खुद ही कर लूंगा वहां पर एग्जाम वाले दिन, तो वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती सिस्टम की। तो ऑनलाइन का यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं भी सीबी पोर्टल को इस्तेमाल करूंगा, तो आप भी जब प्रैक्टिस करें तो आप अपना माई एसी से लॉग इन करके वहां पर प्रैक्टिस करें, वहां पर ब्लैंक आपको एक्सेल और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वहां पर आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू हार्ड कॉपी। ठीक है। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी हम चीजें लिखेंगे, क्योंकि इसमें आप खुद जज नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं है, तो उसमें फिर आप हमारी किस तरह मदद करेंगे कि जैसे अगर मैंने एक चीज लिखी दी है तो आप उसे चेक करेंगे कि ये मैंने कितना परसेंट ठीक लिखा है? देखें, आप लोगों को जो कोर्स एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, नाउ यू आर फेमिलियर क्योंकि आप ऑलरेडी F9 पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको एक फील देता हूँ कि जो हमारा SBR का कोर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके ऊपर आप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। तो जो स्टैंडर्ड पढ़कर आपको किट का कोई क्वेश्चन नॉमिनेट किया जाता है कि जी ये आपको ट्राई करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको जहां भी ट्राई करें, इवन अगर ACCA के पोर्टल पे भी ट्राई कर रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। अगर आप खुद से वर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका आप जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है ईमेल कर सकते हैं, ताकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि मैंने ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया, तो ट्यूटर आपको बता कैसे सकता है कि आपकी गलतियां क्या हैं, आपके फ्लॉस क्या हैं। तो वो तो आपको ऑब्वियसली ट्यूटर के साथ इन टच रहना है, ताकि आप उसे बताएं कि मैंने सॉल्व किया, वो आपको गलतियां बताएगा, आपकी एप्लीकेशन साइड को स्ट्रॉन्ग करवाएगा, ताकि साइड बाय साइड आप अपनी एप्लीकेशन पे भी जाएं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको जब कोर्स का एक्सेस मिलेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, और आपको कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेक्चर लेना है और जाके वेबसाइट के ऊपर जो भी स्टफ़ है, जो डाउनलोडेबल स्टफ़ है, उसे डाउनलोड करके अपने पास रिटेन रखना है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। सिलेबस बहुत ह्यूज है, FR जिसके पास नॉलेज में है, दिमाग में है, उसको एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है। जो FR भूला हुआ है उसको FR वाली चीज़ें भी रिकॉल करनी पड़ेंगी। नाउ यू कैन सी हियर, ये हमारा कोर्स आपको वेबसाइट के ऊपर एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, तो इफ यू कैन सी हियर, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं सपोज IS-16 में जाते हैं, तो ये देखें आपको यहाँ पर IS-16 का एक लेक्चर नज़र आ रहा होगा, उसके बाद एक पास पेपर का प्रैक्टिस क्वेश्चन नज़र आ रहा है, उसके बाद IS-16 के नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये आप देखें यहाँ पर एक IS-16 का क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, असाइनमेंट दिया हुआ, ठीक है। तो ये असाइनमेंट यहाँ पर सही तरीके से शो नहीं हो रहा, लेकिन ये असाइनमेंट दिया हुआ है, इस असाइनमेंट को यहाँ करके भी आप ट्यूटर को सेंड कर सकते हैं, इसमें ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। और आप चाहें तो उसको वैसे नॉर्मली सॉल्व करके भेज सकते हैं, जैसे भी आप भेजना चाहें। ये एक और असाइनमेंट यहाँ पे डला हुआ है, तो हर टॉपिक के साथ मेरी कोशिश ये है कि असाइनमेंट मौजूद होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, या उन्हें लेक्चर के दौरान असाइन कर दिया जाए। देखें, ये आपको एक IS-38 का इशू यहाँ पे दिया हुआ है निकाल के, और ये देखें, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनोवेटिव फॉर द ईयर एंडेड सितंबर। अब ये बिल्कुल वही एग्जाम पैटर्न का सवाल है, एक पार्ट क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप अटेम्प्ट करके इसकी फाइल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे ट्यूटर के पास, आपका असाइनमेंट आ जाएगा, वो चेक करके आपको आपकी गलतियाँ बताएगा लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गलतियाँ आपको बताएगा, देखें ये प्रॉब्लम थी, ये आपने ठीक नहीं किया, इसको ठीक कर लें, यहाँ स्टैंडर्ड पूछा कुछ और जा रहा था, आपने लिखा कुछ और, ताकि आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी स्टैंडर्ड की पता लग गई। अब जितना बड़ा स्टैंडर्ड होगा, आप जैसे यहाँ कॉन्सोलिडेशन देखें शुरू हो गई, तो ये बेसिक हम पहले रिव्यू करवाते हैं, बेसिक कॉन्सोलिडेशन, या आपने बेसिक जो पढ़ी हुई उसको ठीक कर लें, फिर इसके अंदर स्टेप एक्विजिशन आ गया, फिर उसके अंदर डिस्पोजल आ गया, जैसे मैंने कॉन्टेंट आज बताए थे उसी कॉन्टेंट के हिसाब से फॉरन सब्सिडरी आ गई, कैश फ्लो आ गए, जो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमने F3 में पढ़े हुए थे, IS-10 हो गया, IS-2 हो गया, उनको तो अगर आप ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थिंग इसके देखना चाहिए। फिर जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास के दौरान किए हुए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल हैं, जो हमने क्लास के दौरान किए हुए हैं, ये देखें, ये पास पेपर की प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। टेक्निकल आर्टिकल्स जो ACCA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहाँ आपको डाउनलोड करने में डिफिकल्टी होगी, यहाँ से आप ये फर्दर ऐड होते जाएंगे इसके अंदर टेक्निकल आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारा हमारा यहाँ पर, और फिर एट द एंड हम जाके
एग्जाम मॉक डीब्रीफ करेंगे एट द एंड के अंदर, आप लोग मॉक अटेम्प्ट करेंगे, हम उस मॉक एग्जाम का डीब्रीफ करेंगे, उसके एक एक हिस्से को डिस्कस करेंगे, देखें यहाँ क्या करना चाहिए था, इसमें ये डिस्कशन करनी थी, ये डिस्कशन करनी थी, ताकि एंड में हमारा वो एरिया भी प्रॉब्लम में ना आए। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो बुक है हमारी वो हम पुराने से पुरानी कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये कहता हूं कि आपको जो हमारी फिजिकल बुक होती है वो जरा बेहतर रहती है। बुक हम आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे अप टू डेट आपको प्रोवाइड करें, उसकी वजह ये होगी कि बुक के अंदर कुछ लेटेस्ट चेंजेस आती हैं करंट इश्यूज की, वो आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेंगी। पुरानी बुक रेलेवेंट होती है, 2021 की भी रेलेवेंट होगी, 20 की भी रेलेवेंट होगी, स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हुए होते हैं, लेकिन करंट इश्यूज आपको अपडेटेड चाहिए तो आपको अपडेटेड बुक आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको लेटेस्ट कौन सी चल रही है, 2022-23 का वर्जन मार्केट के अंदर आया हुआ है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। श्योर सर। With kit, kit भी मिलेगी आपको और बुक भी मिल जाएगी। और सर सिर्फ अगर हम कैप्लन की किट करें तो बहुत है या हमें बीबीपी को भी उठाना पड़ेगा? देखें एक किट यहाँ पर मेंशन की भी है, दो किट में जाने की कोई जरूरत नहीं, और एक किट भी अगर आप पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, और जो सीबी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रैक्टिस एग्जाम दिए हुए अगर वो भी कर लें सारे तो बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करके जाता, ये मेरा चैलेंज है कोई करके जाता होगा इतने सारा काम, पूरी किट को सॉल्व करके जाता होगा। ठीक है, क्योंकि सर पहले तो जो है F9 तक तो हम दोनों किट्स करके जाते थे। वो भी देखें हर बंदा नहीं करके जाता, और F9 भी एक ऐसा पेपर नहीं है जो दोनों किट करके जाएगा तो पास होगा, यानी कि मेरी लॉजिक ये है कि अगर आप एक किट कर लें और आपने लेक्चर्स और पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए तो आई डोंट रेकमेंड कि आप दो किट इस्तेमाल करें, वन किट इज मोर देन इनफ। ठीक है, श्योर सर, श्योर सर। किसी पेपर के लिए इवन अगर आप ATX भी पढ़ेंगे ना तो हम कभी भी दूसरे किट रेफर नहीं करते, आप एक ही किट पर रहें, एक डायरेक्शन में जाएं, बस फोकस एक ही मटेरियल इस्तेमाल करें, इज मोर देन इनफ। ठीक है सर, और हम इसको प्रूफ करेंगे कि जब हम कोई स्टैंडर्ड इन डिटेल में जाके पढ़ते हैं, पहला प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट स्टैंडर्ड पढ़ते ही नहीं इन डिटेल में जाके, जितना डेप्थ में जाके उन्हें SBR में स्टैंडर्ड पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ते, यानी कि अगर आपको SBR में स्टैंडर्ड पढ़ना है, जो कि मैं नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड रेफर करता हूँ ऑफिशियल जो IAS और IFRS के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, ताकि हमें एक एक पॉइंट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि जो हमारे पास ऑफिशियल स्टैंडर्ड है वो कितने डिटेल में होते हैं, होना तो ये चाहिए कि उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड से पढ़ें, तो हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जी हम अपने लेक्चर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड तो आप उन ऑफिशियल स्टैंडर्ड को उतना इस्तेमाल करें जितना मैंने अपने लेक्चर में इस्तेमाल किया, बाकी आप हमारे नोट से काम चलाएं, आप उन स्टैंडर्ड्स में ना जाएं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप इन इतनी डिटेल में, फिर हो सकता है आपसे सिलेबस ही कवर ना हो, तो हमें एक स्टैंडर्ड तो कवर नहीं करना, हमें तो हर स्टैंडर्ड कवर करने हैं। ट्यूटर आपको बताएगा ये स्टैंडर्ड कितना डेप्थ में, इसमें आपको कितना डिटेल में जाना है, किस स्टैंडर्ड को आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है और किस स्टैंडर्ड को आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, यानी कि उसकी डेप्थ कुछ स्टैंडर्ड्स की इतनी है कि आप जितना पढ़ लें वो डेप्थ खत्म नहीं होती। और ये भी आप साथ बताएंगे हमें जी, एग्जामिनर कौन से पैराग्राफ में जाएगा, कौन सा इशू रेस करेगा, उसका आइडिया आपको पास पेपर से होना शुरू हो जाएगा, जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा मैंने तो ये स्टैंडर्ड ऐसा पढ़ा था, लेकिन एग्जामिनर ने जो इशू पूछा हुआ है क्या वो मैंने स्टैंडर्ड में कवर किया, क्या वो बुक में भी कवर हुआ था, नहीं कवर हुआ था, या मुझे इससे भी बियॉन्ड जाकर कोई चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मसला ये होता है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एग्जाम बहुत इतना मुश्किल नहीं आता, स्टूडेंट उसको बहुत लाइट लेके जा रहा होता है और एग्जामिनर जो है ना वो आपको बाउंसर मार रहा होता है और आप उसको जो ना वो समझ रहे होते हैं बहुत आसान पेपर आपसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये देखें, ये मैंने एक ओरिजिनल IFRS ओपन किया हुआ है, ये IFRS 2 है हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट का। अब मेरी एक आदत ये है कि जब मैं कोई स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ तो नॉर्मली आई रेफर दीज स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड में आपको पैराग्राफ वाइज चीज़ें दी हुई होती हैं और हर मसले का हल एक पैराग्राफ के अंदर बताया होता है, और जो हम पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली समरी होती है क्लासेस के अंदर, जो ट्यूटर को हिफ्ज होती है वो ट्यूटर आपको उस समरी से गाइड कर रहा होता है, लेकिन असल तरीका ये होता है कि इन स्टैंडर्ड्स के एक एक पैराग्राफ में आने वाले एक एक मसले को छेड़ा जाए, एड्रेस किया जाए, लेकिन वो टेक्निकली स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं। अब ये तो छोटा स्टैंडर्ड है ना, लाइक कुछ पैराग्राफ्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स के अंदर 90, 100, मोर देन 100 पैराग्राफ्स होते हैं, ये तो
44, 42 पैराग्राफ के ऊपर जाके खत्म हो गए। तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स को यहाँ से इसलिए कवर करते हैं ताकि स्टूडेंट को पूरे स्टैंडर्ड की एक फील मिल जाए, लेकिन हर स्टैंडर्ड को नहीं कवर करते। जो स्टैंडर्ड वैसे ही कवर हो सकता है उसको वहां से कवर करेंगे, जिसकी डेप्थ में जाना है, जहां हमें लगता है कि इसकी लाइकलीहुड पेपर में ज्यादा आती है, इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत फंसे हुए पूछता है टीचर और स्टूडेंट से एग्जामिनर, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स को रेफर किया जाए, वरना नोट से काम चला लेते हैं, नोट से भी काम चल जाता है, यानी कि बुक से काम चल जाएगा, बुक को भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।